शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपने जो बताया हमने सब किया, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? कहना क्या चाहते हैं आप? मैंने गलत बताया? निश्चित ही आपने मेरी बताई हुई विधि का कोई इस्तेमाल नहीं किया होगा नियमानुसार, इसीलिए आपको सफलता नहीं मिली। याद रखिए, आपने मेरे ज्योतिष ज्ञान पर सवाल उठाया है, बर्बाद हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। गुरु जी की जय हो, गुरु जी की जय हो, गुरु जी की जय हो। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी आप धन है, चमत्कार हो गया गुरु जी, चमत्कार हो गया। लेकिन तुम कौन हो? हमने तुम्हें पहचाना नहीं। माफ कीजिएगा गुरु जी, आपने हमें पहचाना नहीं। गुरु जी मैं अमित सहनी, पिछले हफ्ते आपको अपनी कुंडली दिखाया था। गुरु जी आपके आशीर्वाद से गुरु जी हमारा पहला प्लान सक्सेस हो गया गुरु जी। बस अब आगे क्या करना है आपसे यही पूछने आए हैं गुरु जी हम। कल्याण। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। देख लिया आप लोगों ने, इस बालक की योजनाएं सफल हुई क्योंकि इसने हमारी बताई हुई विधि को बराबर नियम के अनुसार पालन किया। खुश रहो। याद रखिए, सारे ग्रह गोचर का ज्ञान इस मुट्ठी में है, मेरी मुट्ठी में। बहुत खूब, ऐसे ही आगे बढ़ो और अपनी दूसरी योजनाओं को सफल करो। अवश्य गुरु जी। और हाँ, एक बार उन्हें हमसे मिलवाओ, यहां लेकर आओ, उनसे कहो हम उनसे मिलना चाहते हैं। अवश्य गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। बोले गुरुदेव महाराज की जय। बोले गुरुदेव महाराज की जय। गुरुदेव महाराज की जय। बोले गुरुदेव महाराज की तुम्हारे लिए। थैंक यू। अच्छा रुको, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। नशे में है वो, इसका होना ना होना बराबर ही है। मार भाभी गई है किसी ज्योतिष के पास, उनको लगता है वो इनको ठीक कर पाएंगे। बवाल कर देगा वो। अरे तुम टेंशन मत लो। अच्छा एक मिनट, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। ज्योति एक बात कहूँ? बोलो। मुझे ना तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे? ज्योतिष आचार्य सुधीर जी महाराज, नाम तो सुना होगा ना? अरे नहीं सुना? बहुत सटीक भविष्यवाणी करते हैं। उसके बाद जो हम छुप छुप के कर रहे हैं ना, शादी के बाद। अच्छा, ऐसे कैसे? ज्योति के कमरे से कैसे आवाज आ रही है? ज्योति पागल हो क्या, मरवाओगे क्या? कुछ सुन जाएगा तो
सॉरी यार, सॉरी सॉरी, कोई सुना तो नहीं ना? ज्योति, उसकी आवाज़ है। तुम्हारा भाई। दरवाजा खोलो। तुम्हारा भाई आ गया क्या? काम करो, तुम निकलो, मैं देखती हूँ। निकलो। अरे ये तो खुल ही नहीं रहा यार। ज्योति, ए, बोले, ए रुक। अमित रुको, देखो ये बेहोश हो गया। अगर ये उड़ गया तो सबके समझा के मुंह खोल देगा ही। क्या करें इसका अब? अरे इतना बड़ा नक्शेबाज है, क्या बोलेगा बाहर जाके? एक काम करते हैं, इसको हॉल में पटक देते हैं। पागल हो गए? चलो चलो ठीक है, चलो। अब बहुत भारी है। स्वामी जी ने जो विधि बताई है ना, बिल्कुल वैसे ही करना है हम। ठीक है। हे भगवान, अभी इसको देखो, अब तो सबके सामने बेशर्म बनके पीने लगा है। अरे उठ जा, जा बहू, इसको उठा। परेशान करके रखा है इस लड़िए ने तो। उठिए, अरे उठ जा, चलिए, उठिए, 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 अरे उठ जा। ये माँ, मैं ये माँ, 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 मैं एक बात बताऊँ, तुम्हारी बेटी ना बिगड़ गई है। कमरे में एक लड़के के साथ थी वो, और लफाइए के साथ वो लुप चुप कर रही थी। क्या बोल रहा है ये? होश में तो है ना तू? माँ, मैं बस। ए ज्योति, ज्योति बाहर निकल, ज्योति, ज्योति इधर आ, इधर आ, बता। ज्योति इधर आ बेटा। पूछो माँ से, पूछो कौन था वो। एक तरह भाई का अनाप शनाप बकरा है। मैं, तुम्हारा बेटा पागल हो गया है, इतना सारा ड्रग्स फूक के पड़ा रहता है, अब पता नहीं नशे में क्या क्या देख लेता है। झूठ बोलती है, एक कान के नीचे थप्पड़ लगेगा ना, तब सच बोलेगी तू। बहन पे हाथ उठाता शर्म नहीं आती तुझे? कुछ कहीं का नशेड़ी, ले जा इसे कमरे में, ले जा। माम, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ये थी। परेशान करके रखा इस लड़के ने तो, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। नशा नशा, ये कब इसके आदत छूटेंगे नशे। पवन, क्यों इतना नशा करते हो? हालत देखो अपनी, क्या कर दिया है तुमने? तुम अपना काम करो यार, खुद देखो कितने चुप हो गए हो तुम। तो क्या करूं, मैं कुछ भी बोलता हूं तो घर में मेरी बात पे कोई भी भरोसा नहीं करता है। मम्मी जी इसीलिए तो तुम्हारे ऊपर चिल्लाती है, ताकि उनको पोता मिल सके। खैर, गुरु जी ने ना ये दिया है। क्या है? गुरु जी ने दिया है तुम्हारे ड्रग्स छुड़वाने के लिए, ताकि तुम्हारा नशा छूट सके और हमारा बच्चा हो। क्यों, तुम्हें नहीं चाहिए बच्चा? छोड़ा है जी, बहुत महान है, बहुत पहुंचे हुए हैं, मिलोगे तो देखना। प्रणाम गुरु जी, आशीर्वाद दीजिए। अमित, कल्याण हो, कल्याण हो, खुश रहो, खुश रहो। गुरु जी कुंडली हमारी। अच्छा, तो क्या समस्या है तुम्हारी? गुरु जी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। कुंडली मिलवाना चाहते हैं आप लोग? हैं जी गुरु जी, मेरी माँ ज्योतिष विद्या में बहुत विश्वास रखती हैं। अगर हमारी कुंडली नहीं मिली तो हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगी। अरे वाह,
बेटा तुम्हारी कुंडली में तो सारे सुख सुविधा विद्यमान है। जी गुरुजी, हम लोग गांव के जमींदार हैं। उस लड़की के घर में प्रवेश करना ही होगा, वहां से अच्छा धन लाभ हो सकता है। वैसे गुरुजी, हमारी कुंडली में कोई दोष वोष तो नहीं ना? हमें तो एक दुविधा दिखाई दे रही है। दुविधा मतलब हमारी कुंडली मैच नहीं हो रही? आप फिक्र ना करें, हम है ना, हम आपकी कुंडली मिलवाएंगे। लेकिन कैसे गुरुजी? एक अनुष्ठान करना होगा ज्योति के घर पर, जिसके लिए हमें ज्योति के घर पर एक महीना रुकना होगा और वहां जाकर सभी घर वालों के और घर की स्थिति ग्रह दशा को ठीक करना होगा, तब तुम दोनों की शादी संभव है। एक महीने ज्योति के घर में? लेकिन कैसे महाराज? तुम टेंशन मत लो अमित, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बहु आरती ले बेटा। माँ। अरे माँ देखो कौन आए हैं। प्रणाम। ये सुधीर गुरुजी, बहुत पहुंचे हुए ज्योतिष हैं। अच्छा, प्रणाम गुरुजी। सदा कल्याण। माँ ये भैया की ड्रग्स छुड़ाने की भी गारंटी ले रहे हैं। सच में? फिर तो बहुत अच्छा होगा गुरुजी। गुरुजी मेरा बेटा पवन नशे का आदि हो गया है। 2 साल हुए उसकी शादी को, लेकिन अभी तक मुझे पोते का सुख नहीं मिला है। आप निश्चिंत रहे, आपके इस घर में संपन्नता तो है, किंतु वास्तु दोष दिखाई दे रहा है। हाँ। इस वजह से ही घर में क्लेश और अशांति है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज, जो भी करना है कीजिए, बस हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए गुरुजी। आप निश्चिंत रहिए माँ जी। देखिए, आपके घर में वास्तु दोष के साथ साथ ग्रह शांति की भी पूजा करनी होगी और उसके लिए समय लगेगा। तकरीबन 1 महीने तक मुझे आपके घर में रहना होगा उस पूजा के लिए। गुरुजी आप जो भी कीजिए, बस हमारी मुसीबतों का अंत कर दीजिए। अरे मैं इसलिए तो इनको लेकर आई हूँ यहाँ पे। तूने बहुत अच्छा किया बेटा। गुरुजी आपकी चाय। दिव्या देवी जरा बैठिए, लाइए ना। कैसी हैं आप? हम आपकी मानसिक हालत समझते हैं, अपना हाथ आगे कीजिए, कीजिए ना, डरिए नहीं। हम तो आपके जीवन में संतान सुख का योग देखना चाहते हैं। हाथ आगे कीजिए। इतनी अच्छी जीवन रेखाएं होने के बाद भी आपके जीवन में इतना कष्ट है, इसमें आपका दोष नहीं है। बहुत सी कठिनाइयां हैं जीवन में, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, हम है ना। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं, हम तो आपके अंतर मन की भावना को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें पता है कि आपके पति का शुक्र आपके शुक्र से बहुत कमजोर है, इसीलिए आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है और आप अपने पति से संतुष्ट भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि आप संतुष्ट नहीं है, अब ये दायित्व भी हम ही को उठाना होगा। We'll be right back.
खिड़की पे तुम ही थे ना, तुम मुझे झांक रहे थे ना। नहीं, हम क्यों झांकेंगे भला। हाँ, हमारी इन्हीं हरकतों के बारे में ना हम अभी जाके मम्मी जी को बताते हैं। हम जानते हैं कि तुम तड़प रही हो और हम तुम्हें तड़पता हुआ नहीं देख सकते। तुम अपनी जवानी अपने एक नशेबाज पति के लिए कुर्बान कर रही हो, ना ही वो तुम्हें संतुष्टि दे सकता है और ना ही संतान सुख। लेकिन मैं तुमको दोनों दे सकता हूं। तुम्हारे घर वाले भी खुश हो जाएंगे, तुम भी। ओम शनु देवी रोक्षामि कुंजिका कुंजिका पाठ मात्रे दुर्गा पाठ दुर्लभं गोपी पार बड़ी मारणम मोन वशा ना देव भाग माते सचदेव। सारा धन, ये सारे गहने और रुपए ही तो लेने में यहां आया हूं। जिस दिन मौका मिला सब लेके चंपत हो जाऊंगा। सुंदर, विश्व सुंदरी, इस घर से जाने से पहले मुझे तुम्हारी खूबसूरती पर भी हाथ साफ करना है। गुरुजी, आप मेरे कमरे में कैसे आए? माँ जी, अभिमंत्रित जल है, इससे पूरे घर का शुद्धिकरण कर रहा हूँ। लेकिन आपने मुझे बता के तो आना चाहिए था ना। क्षमा कीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। आई सारी रात आराम से सो जाओ। बेशरम, मेरी नड़न पे भी तेरी गंदी नजर है। निकल, मेरे घर से बाहर निकल। बाहर जाने से पहले मुझे लगता है तुम्हें एक बार ये खूबसूरत सा वीडियो देखना चाहिए। नहीं, अच्छी लग रही हो। धोखेबाज, ये वीडियो कब निकाली? वो क्या है दिव्या जी, कि लोग समस्या के बाद समाधान ढूंढते हैं और ये सुधीर समस्या से पहले ही समाधान अपनी जेब में रखता है। और अगर तुम ये नहीं चाहती कि ये वीडियो तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे पति तक पहुंचे, जो मैं कहता हूं वो करो। क्या? ये कैमरा लो और वहां जाके खड़ी हो जा। और मैं जो भी कुछ करूं उसको रिकॉर्ड कर लो। पकड़ो पकड़ो। और ये वीडियो डिलीट करने की गलतफहमी मत पालना, क्योंकि इसका डेटा दूसरे मोबाइल में रखा है। चलो चलो। कैसी हो? 10 दिन हो गए मेरे और अमित के कुंडली में कुछ सही हुआ कि नहीं, बहुत डर लग रहा है मुझे। डरो नहीं, और वैसे भी कहा गया है जिस मनुष्य के शरीर पर 21 दिल होते हैं वो निडर होते हैं। 21 दिल? आपको कैसे पता?
यही तो फर्क है गुरु और शिष्य में। हम सब जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि आज शाम तक ही तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, और इसीलिए निडर होकर खुशियों को जियो। जी गुरुजी। सुंदरी, विश्व सुंदरी, युक्ति क्रमांक 2 का शुभारंभ हो चुका है, शीघ्र चले आओ। तथा गुरु जी को अपने शिष्य का सादर प्रणाम। अरे आचार्य अमित, आइए आइए जी, पधारो। कल्याण हो। माजी जी, ये हमारे शिष्य हैं आचार्य अमित। प्रणाम आचार्य। इस अनुष्ठान की संपूर्ण आहुति के लिए एक और ज्योतिष आचार्य की आवश्यकता थी, इसीलिए मैंने इनको बुलवाया। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं, हमारे लिए तो खुशी की बात है। आइए पूजा आरंभ करते हैं। धोखेबाज गुरु घंटाल, पता नहीं आगे का क्या करने वाला है। मैं तो किससे कुछ कह भी नहीं सकती, वरना ये मुझे मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ेगा। लफंगे तू ही है ना, तू ही था ना उस दिन ज्योति के रूम में। सॉले तेरी इतनी हिम्मत माँ, ये वही है जो दिन ज्योति के रूम में था। जब तक तुम नशा किए हुए रहता है, होश में आ, चल भाग यहाँ से। मैं नशे में नहीं, आप लोग नशे में। आप लोगों को नहीं दिख रहा है कि आप लोगों को पागल बना रहे हैं। ठीक है मैं जाता हूँ। देख रहे हैं गुरुजी बालक के संस्कार। तंत्र गुरुजी, आपने हालत देखी ना मेरे बेटे की, बस अब तो आप ही बचा सकते हैं उसे। धैर्य रखिए, आपके बेटे का और इस घर का कल्याण जब तक नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। वैसे तुम कब से आचार्य बन गए? वो क्या है ना बालिके, कि गुरुजी ने हमें आदेश दिया था तो आना पड़ा, और मेरी जान तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन के तो नहीं आ सकता था ना, तो गुरु का चेला बन के आ गए। चलो अब जल्दी से अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे दो। अति शीघ्र हमारे कमरे में चले आइए। मैं नहीं आ रही। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका एक खूबसूरत सा वीडियो हमारे पास है जो कि वायरल हो सकता है। दिव्या देवी, आना तो आपको पड़ेगा ही, अभी आपसे हमें बहुत काम है। कैसा काम? तो मैं अपनी सासू माँ की अलमारी से वो तमाम जेवर और कैश मुझे ला के देना होगा। क्या मैं अपने घर से चोरी करूं? इज्जत बचाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। तुम्हारे पास एक हफ्ते का टाइम है। कल्याण हो तुम्हारा। आज रात मैं तुम्हारा काम करूंगी, लेकिन हाँ ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती, तुम्हें भी मेरे साथ देना होगा। और हाँ ये आखिरी काम है जो मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, इसके बाद तुम ये घर छोड़ के हमेशा के लिए चले जाओगी। तथास्तु। आशीर्वाद तो ले जाइए। अरे वाह गुरु, मान गए तुम्हें तो। बगला रहे हो, नीचे बैठो। हाँ ठीक है, शिष्य हो तुम। वैसे याद है ना हमारे बीच क्या डील हुई थी? मेरा भी आधा हिस्सा होगा। वत्स, अपने दिमाग को अपने वश में रखो। 1/3% मिलेगा, मतलब 33%। क्यों? भूलो मत, प्लान 1 मैंने सेट किया था, ज्योति से प्यार का नाटक मैंने किया है, उसका विश्वास मैंने जीता है। बेटा छोड़ो मत,
ये मत भूलो कि तरीका हमने बताया था। और याद रहे कि ज्योति के पास जो भी धन दौलत है, जेवर है, वो सब तुम्हें लेके आना होगा, समझे? खाली हाथ अगर आओगे तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। खुश रहो। लूंगा तो पूरा आधा हिस्सा सुधीर, अगर चलाके की ना तो जान ले लूंगा तुम्हारी। बाली के हम आ गए। पागल, जल्दी आओ, मरवाओगे क्या? बताओ क्या हुआ? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? बैठो। अरे तुम्हें काफी दिनों से नींद नहीं आ रही थी ना, एक ऐसी करामती चीज लेके आया हूँ, इसे सूंघते ही बहुत गहरी नींद आएगी। हाँ रुको, निकल जा जादू, पकड़ो इसे। तुम जब तक सूंघो मैं देखता हूँ बाहर कोई है तो नहीं, ठीक? क्या है ये? अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चक्कर सा आ रहा है। हाँ चक्कर तो आएगा ना, नींद आएगी तुम्हें, गहरी नींद आ रही ना। आप लोगों को किसी के ऊपर शक है? हाँ सब, उसका नाम अमित है, वो गुरुजी का चेला है। हमें लगता है कि उसने मेरी बहू और गुरुजी को मारा है। उसका नंबर है आपके पास? नहीं सर, अजनबी को घर में रख लिया लेकिन उसका नंबर नहीं लिया। बड़े गैर जिम्मेदार हैं आप लोग। मैं उसका नंबर नहीं दे सकती, नहीं तो मेरा और अमित का रिश्ता खुल जाएगा। सर ये फोन मिला है। ये तो गुरुजी का फोन है। इसमें से अमित का नंबर निकालो और डायल करो।
सर फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है, नंबर मुझे सेंड करो, दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हेलो, एक नंबर भेज रहा हूँ, ट्रैकिंग पे डाल दो। कहने पे मैंने उस गुरुजी पे विश्वास किया और उसका वो चेला अमित पवन ने उसे पहचान लिया था, लेकिन तुमने आके बंद कर ली और देखना नतीजा क्या हुआ। हमारे घर के सारे गहने सारे पैसे लूट के ले गए, यहाँ तक कि हमारे प्यारे बहू की जान भी चली गई। कुमुजी खराब, खोलो, आप चेक करके बताइए गहने आपके हैं कि नहीं। नहीं, इसमें तो सिर्फ ज्योति के गहने हैं, मेरे और बहू के गहने कहाँ हैं? बता। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने इतने ही चुराए हैं। सर, उस रात जब ज्योति सो रही थी से भाग गया था। कुमुद जी के गहने और पैसों के बारे में सर मेरा यकीन कीजिए, मैं कुछ भी नहीं जानता। हाँ सर, लेकिन इतना जानता हूँ कि सुधीर और दिव्या कुमुद जी के रूम में चोरी करने का प्लान बना रहे थे। तूने चुराए पैसे और गहने, भाभी को और गुरु जी को भी तुमने मारा। नहीं, अमित ने उन दोनों को नहीं मारा। फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से दिव्या और सुधीर की मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई है और मौत के पहले हाथापाई हुई। हमें दिव्या के नाखूनों में स्किन पार्टिकल्स भी मिले हैं, उनका डीएनए अमित के डीएनए से मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब खूनी कोई और है। पांडे, पूरे घर की तलाशी लो फास्ट। इसमें सारे गहने हैं और पैसे भी हैं। ये ऊपर वाला कमरा किसका है? तो पवन का है। सर इसने ही मारा होगा। ए, क्या बकवास कर रहा है? चुप कर। शायद इसी रोड से हत्या हुई है। क्यों पवन, ये डंडा, ये पैसे और गहने तुम्हारे कमरे में कैसे है? सर मैं खुद हैरान हूँ कि मुझे भी समझ में नहीं आ रही है वहाँ कैसे। ये खरोंच तुम्हारी गर्दन पे कैसे लगे? सर पता नहीं। तेरे डीएनए टेस्ट में अगर कुछ पता चला ना तो इतना तोड़ूंगा कि तू अपना पता भूल जाएगा। इसे डंडे मारते हुए लेकर चलो। सर 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 नहीं 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 सर 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 मैं बताता हूँ सर 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 मैं सच बताता हूँ सर। बोल।
मैं नहीं मारा उन दोनों को। क्या हुआ? जाने से पहले अपना मोबाइल निकालो, वो वीडियो डिलीट करो। देखो खुश, तुम अपनी जिंदगी जियो और मैं अपनी जिंदगी जीता। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? ए, बैग में क्या है? मेरा सामान है। मेरा सामान है तो दिखा। छोड़ो छोड़ो इसे। दिखा। मैं कहता हूं नहीं तो जान से मार। दोनों मर गए और मैंने बैग में देखा गहने और पैसे थे, तो मैंने बैग को अपने कमरे में छुपा दिया। मेरी गंदी नजर अपने ही घर के पैसे और गहने पे पड़ी। तो क्या करता, नशे के लिए पैसे नहीं होते थे, इसलिए मैंने बैग को अपने कमरे में छुपा दिया। अब इसका नशा हम उतारेंगे। चलो सर, चल दो। नहीं, नहीं।